तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में विभिन्न प्रकार के साबुन मिलते हैं। आज मैं आपको घर में साबुन किस प्रकार बनाते हैं बताती हूँ, तथा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि बोलते हैं, मम्मा आप घर में साबुन बनाइए। तो मैं आपको आज घर में साबुन बनाने की विधि बताती हूँ। सोप बनाना सिखा दोगी? हाँ कृष्णा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताऊंगी कि सोप कैसे बनाती हूँ मैं। ये मेरे पास ग्रीसलीन फ्लेक्स है, इसका एक बार भी मैंने निकाल लिया है। ये नॉन टॉक्सिक एंड स्किन फ्रेंडली है, ये बहुत पूरी तरीके से सेफ है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ फ्रेग्रेंस रखी हुई है, 4 एंड ये 6 हम कह सकते हैं, हमारे पास 6 फ्रेग्रेंस हैं एंड कुछ कलर्स हैं हमारे पास, जिनको हम रिमिक्स करके एक बहुत अच्छा सा सोप बनाने वाले हैं। एंड हमें एक चाहिए एक मोल्ड, आपके पास सोप मोल्ड हो तो आप वो ले सकते हैं, हमने नॉर्मली ये प्लास्टिक का ले लिया है। एंड ये जो हमारा बार है, इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से क्रश कर लेना है, हाथ की ही मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। अब हम इसे करने ले जाते हैं मेल्ट। तो फ्रेंड्स, अभी ये आपको किसी बड़े की ही मदद से करना है। ये कोई पैन ले लीजिए एंड अब हम इसमें रखेंगे कटोरी। एंड अभी हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इसमें हमें उबाल नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी मैं इस कटोरी को ले लेती हूँ, ये पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो गई है। कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गया है हमारा जो बार है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ माइक्रोवेव ही चाहिए इसे करने के लिए। अब हम इसे जल्दी जल्दी कलर वलर डालेंगे, जो भी हमें डालना होगा। पर्पल डाल रही हूँ मैं इसमें। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पर्पल डाला है, थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आ रहा है पर्पल। थोड़ा सा येलो भी डाल रही हूँ, बहुत संभाल के, मुझे नहीं पता कि भाई येलो पर्पल, ओह ये तो बनने लगा। ओए कलर थोड़ा सा अजीब आ रहा है। जल्दी जल्दी सेंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा जो कलर है, मैं ओए डाल रही हूँ। मेल्ट हो रहा है कृष्ण, अनन्या जम जाएगा, जल्दी करो बेटा। यस, स्पीड से उसमें डालो, मोल्ड में। मोल्ड में डालें हम फटाफट से। फ्रेंड्स, गलती हो गई, पहले ही हमें इसमें डाल देना था। हम लोग ने इसे एक और बार मेल्ट करके डाल दिया। अभी मैं इसको बंद करके 20-30 मिनट्स के लिए हमें इसको फ्रीजर में रखना है, फिर रेडी। फ्रीजर यहाँ पे खजाना भरा रहता है, आइसक्रीम है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे अपना ये जो रख देंगे अभी हम, ये देखिए। अब हमें 20-30 मिनट्स के लिए, तो फिर हम उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि 20-30 मिनट के लिए कोई अपन भजन कीर्तन तो रख नहीं सकते। फ्रेंड्स, अभी इसे डीमोल्ड करते हैं, अभी हमने निकाल लिया है इसे, ये देखिए। एंड फ्रेंड्स, 20-30 मिनट्स के पहले ही रेडी हो गया, ये देखिए कितना सुंदर साबुन हमारा बना है, एकदम यूनिक कलर आया है, देखिए आप देख सकते हैं। और हाथ भी इससे परफेक्ट धुल रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।